माई चैनल। आज संडे का दिन है और मुंबई में मौसम बहुत सुहाना है, तो हमने सोचा क्यों ना आज मुंबई से थोड़ा बाहर निकल के एक छोटी सी रोड ट्रिप करी जाए। तो आज हम जा रहे हैं इगतपुरी, मुंबई से 125 किलोमीटर दूर है, एक छोटा सा हिल स्टेशन है। हम एक डे ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, ब्रेकफास्ट लंच करेंगे और वापस आ जाएंगे। आई विल कीप टेलिंग यू व्हाट ऑल वी डू, आई विल कीप शोइंग यू व्हाट ऑल वी सी। फिलहाल हम बॉम्बे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम कहाँ है? अभी हम थाने के पास पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट कुछ ही देर में पहाड़ शुरू हो जाएंगे, वहां से मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली कैसा, कितना ब्यूटीफुल लगता है। और वेस्टर्न घाट्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं बारिश के टाइम पे स्पेशली। सो यस, स्टे विद अस एंड आई विल कीप शोइंग यू व्हाट ऑल वी सी। हाँ, वो बीच बीच में धूप भी थोड़ी बहुत निकल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, धूप कम रहती है, बारिश ज्यादा रहती है। ये है कपिल, हु इज द ड्राइवर फॉर टुडे, माय ड्राइवर। हेलो, हाय। हेलो। क्या करोगे इगतपुरी में जाके? खाना खाऊंगा। खाना खाने के लिए इतनी दूर क्यों जा रहे हो फिर? अलग कुछ खाना था। क्या खाना था? वहाँ पर क्या मिलेगा तुमको? देखते हैं कुछ। महाराष्ट्रियन फूड? महाराष्ट्रियन या भाकरी एंड कुछ ऐसा सोचो जो वेजिटेरियन हो, ताकि लोग देखे तो बोले तुम वेजिटेरियन हो। फिश थाली? फिश नहीं खाता। तुम बिल्कुल खाते हो? अरे भाई फिश थोड़ी कम। अरे प्लीज, तुम आदमी खा जाओ। ब्राह्मण आदमी? अरे छोड़ो ब्राह्मण। तो गाइज अभी रहते हैं कुछ 2 hours 13 minutes फॉर अस टू रीच इगतपुरी। इगतपुरी में वाटरफॉल्स हैं और बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। लेट्स सी वहां जाकर हमको कैसा लगता है। वैसे बॉम्बे के आसपास काफी सारे ऐसे छोटे छोटे हिल स्टेशन हैं, जैसे लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर जो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, पंचगनी और इगतपुरी। तो लोनावला हम कई बार जा चुके हैं, आज सोच रहे हैं इगतपुरी जाए। दिखने शुरू हो गए, क्या आपको दिख पा रहे हैं? अगर आपकी पार की नजर है तो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ मौसम के मजे लेते हुए और मेरा फेवरेट बैंड द लोकल ट्रेन के गाने सुनते हुए, पराठे बना के लेके आते हैं सुबह सुबह। तो गाइज अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी हम 86 किलोमीटर दूर हैं, 1 घंटा और 43 मिनट्स और लगेगा हमको। फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं कोई हमको ब्रेकफास्ट के लिए कोई जगह मिल जाए जहां जाकर हम थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर सके, ताकि हम वहां जाके अच्छे से अपना लंच करें। तो मैं घर से पैक करके लेकर आई थी ये ड्राई फ्रूट्स जो कि अभी हम खाने वाले हैं। लो, हाथ में दो एक बादाम। अरे और दो ना। हाँ बस बस, बादाम नहीं चाहिए ज्यादा। तो क्या चाहिए? काजू लो और ये अखरोट भी लो। हे गाइस, तो अभी हम एक पिट स्टॉप ले रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स दिख गया है हमको रास्ते में और अब हम वहाँ जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। थोड़ा सा बर्गर्स लेंगे अपने लिए, क्योंकि और कुछ ऑनेस्टली इस रास्ते पे अभी तक दिखा नहीं है हमको, नहीं तो हम यहाँ का कुछ लोकल फूड ही ट्राई करते। बट अभी कुछ दिख नहीं रहा है और भूख बहुत लग रही है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड ईट समथिंग क्विकली एंड देन लीव फॉर इगतपुरी। काउंटर पे तो कोई है ही नहीं। क्या खाओगे? ब्रेकफास्ट मेन्यू है आपके? वेज मिल्स या नॉन वेज में? नॉन वेज ही चलेगा। नॉन वेज में आपको सॉसेज मफिन है, सॉसेज भी देंगे, स्पाइसी है, पैनकेक्स। पैनकेक अच्छे है क्या मैडम आपको? ये मफिन अच्छा है। थैंक यू। पैनकेक आपको बेक करके आएगा, मफिन आपको भी कुक करके आएगा, दोनों करके आएंगे। तो गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं अभी और फिर निकलते हैं अपनी रोड ट्रिप पे। अरे मैगी तो मैं क्यों खाऊंगा? अरे भाई क्या उल्टा ही काम कर दिया तुम, फूड भी अभी खाना। तो हमारा
हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब हम वापस निकल गए हैं रोड पे और अब हम आपको मिलेंगे सीधा इगतपुरी में। यस, बीच में मिल सकते हैं, कुछ अच्छा लगा। हाँ, कुछ अच्छा लगा तो वहाँ पर भी दिखाएंगे। लेट्स गो। पैसे दो उनको। क्या वो फास्ट एक्टिंग? ट्रेन से आगे निकाल देंगे? बिल्कुल निकालो। हाँ? नहीं, ट्रेन के आगे नहीं निकल पाएंगे। ट्रेन को क्रॉस कर एक बार क्रॉस कर देते। हाँ? एक बार ट्रेन को ट्रेन अरे क्या ट्रेन को क्या एक बार ट्रेन को क्रॉस कर देता हूँ मैं। ट्रेन को क्रॉस कर दो फिर। ये क्रॉस करने वाले हम बट आराम से। अभी तो ट्रेन ही गायब हो गई। कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया भाई कर लिया। ये बादल भी लगे हुए हैं तो अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि वहाँ पर बारिश हो रही होगी या धूप रहेगी। आई होप बारिश हो या फिर बारिश जैसा मौसम हो, धूप तो ना है यार, नहीं तो पूरा मजा खराब हो जाएगा, है ना? हाँ, राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो गाइस अभी हम 13 किलोमीटर दूर हैं, कुछ 24 मिनट में हम पहुंच जाएंगे और यहाँ आते आते मौसम थोड़ा अच्छा हो चुका है, वापस वैसा ही हो गया जैसा हम इमेजिन कर रहे थे या जैसा हम सोच रहे थे कि यहाँ होगा। बारिश भी शुरू हो गई है, ये हमारे विंडस्क्रीन पे थोड़े थोड़े बारिश की बूंदें पड़ती हुई। मौसम का मजा लेते हुए, कपिल की कॉमेंट्री सुनते हुए हम पहुँचने वाले हैं इगतपुरी। थोड़ा रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं गढ़वाल आ गई हूँ। ऑल्दो गढ़वाल इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। no, 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 no. बहुत ब्यूटीफुल है गढ़वाल, लेकिन मतलब ऐसे पहाड़ पत्थर पेड़ ये सब देख के ऐसी लग रहा है। और हम रोड भी ऐसी है ना जैसे कि पहाड़ों पे होती है, गोल गोल घूमने वाली, पहाड़ ऊपर चढ़ने वाली। लेफ्ट दिखाते हैं सुंदर है यार। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पहाड़ों पे ही जाके बस जाऊं। हाँ, बस जाओ बस जाओ। हाँ, तुम तो यही बोलोगे। यार ये टर्न्स देख के ना, अरे चक्कर तो नहीं आ रहे तुम्हें? नहीं, ये टर्न्स देख के एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पहाड़ों पे आई हूँ। नीचे से व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है। कहीं रोको ना। हाँ, आगे रोकता हूँ। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मतलब ऑफ कोर्स नॉर्थ के पहाड़ों की तो कुछ बात ही अलग होती है, लेकिन अभी बॉम्बे में है तो बॉम्बे से आसपास ऐसी बहुत सारी जगह है। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक लोनावला भी इतना अच्छा है। लोनावला इससे अच्छा है? नहीं नहीं, इससे अच्छा नहीं है। ऐसे ही प्रॉपर पहाड़ों वाला रास्ता तो नहीं है। अरे भाई, लोनावला अच्छा। लोनावला के ऊपर गाने बने ना, लोनावला में चिक्की खाएंगे, वाटरफॉल पे जाएंगे। इगतपुरी का बना है कुछ ऐसा? क्या लोनावला में चिक्की खाएंगे? चिक्की? हाँ, खाई नहीं तुमने? लोनावला की फेमस है। हाँ, मैंने तो खाई है। हाँ, तो बस तुम खाओगे? मैं तो बहुत खाता हूँ। लोनावला में चिक्की खाएंगे, वाटरफॉल पे जाएंगे। हाँ। ये कहाँ कौन सा गाना है यार? अरे वो अच्छा, गुलाम का। ए क्या बोलती तू? लगान का। लगान नहीं है वो, गुलाम है। तो हाँ, यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्थ के पहाड़ों पे आई हूँ। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, गढ़वाल से, और वहाँ पर ऐसे ही इससे अच्छे बहुत खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ है। अभी मुझे अपने गांव की याद आ रही है इसको देखकर। हालांकि मैं अपने गांव बहुत कम गई हूँ, लेकिन फिर भी गांव चले जा रहा है। गाइस हम ऑलमोस्ट इगतपुरी पहुंच चुके हैं और यहाँ बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए हमारे विंडस्क्रीन पे बूंदे और थोड़ा सा ट्रैफिक, बिकॉज संडे है तो हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे होंगे इगतपुरी घूमने। अच्छा, इंदौर जाते तो इंदौर जा रहे होंगे लोग। इंदौर, धुले, आगरा भी जाता है। आगरा भी जाते हैं तो वहाँ तो तुम्हें जाने की जरूरत है। तुम्हें छोड़ के आ रहा हूँ आगरा में क्या है? तुम्हें छोड़ के आ रहा हूँ। क्यों, आगरा में क्या है?
तुम्हारा इलाज करने के लिए एक जगह। शट अप, आगरा तो तुम्हें जाने की जरूरत है यार, वैसे भी तुम यूपी के हो और आगरा यूपी में ही आता है। नहीं, ताजमहल ऑलरेडी है, दूसरा अजूबा जाएगा तो कैसे होगा, एक तो है ना उधर। बड़े बदतमीज हो यार, अब तुम्हारे लिए जरूरत है तुम्हें इलाज की। मैं आगरा में जाऊंगा तो दो वो हो जाएंगे दुनिया के, क्या हो जाएंगे, अजूबे तो हो तुम फॉर श्योर। हाँ तो ठीक है ना, ये फास्ट टैग वाली, अरे 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 अरे, अच्छा है मैंने एक्शन मोड लगा रखा है। कैसे? ये लास्ट टोल होगा आई थिंक, है ना भाई? टोल तो चलते रहेंगे, हमारे लिए लास्ट टोल है। हाँ, हमारे लिए ही बोल रही हूँ ना मैं। एक जामुन खाने है, खाने है क्या? अभी छोड़ो, अभी तो निकल गए। अरे आगे भीड़, ये जामुन वाले भैया, भाई सब नीली बुशर्ट पहन के क्यों जामुन बेच रहे हैं इधर? देखो हाँ? सब नीली यूनिफॉर्म होगी उनकी, भाई जामुन वालों की भी यूनिफॉर्म है। अब तो क्या हो गया यार, इंटरनेशनल हो चुका है महाराष्ट्र बिल्कुल। ये नहीं, सबने नीली बुशर्ट क्यों पहन रखी है? सबने नीली क्यों पहन रखी शर्ट? क्या नीली? हाँ, वो सबका एक सार का दिखना चाहिए ना, मतलब एक ही आदमी का, एक ही आदमी। अच्छा, और दूर से दिख भी जाता है। सुनो ना, इगतपुरी वाटरफॉल कितना दूर है इधर से? इगतपुरी वाटरफॉल कितना दूर है? कौन सा वाटरफॉल? पता नहीं कौन सा, दो तीन ही अच्छे वाला। कौन सा है? इधर है ना रेन फॉरेस्ट। इधर कहाँ से कितना दूर है? इधर रेन फॉरेस्ट है ना बाजू में, ऊपर से जाएंगे। ऊपर से जाएंगे? नहीं नहीं, आगे तो आगे आगे। इधर क्या है? इधर इधर अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है, घुमा ले फिर। चलो क्या करें, पता नहीं है। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, तो वाटरफॉल तो यहाँ पर बंद है अभी क्योंकि बारिश अभी प्रॉपरली शुरू नहीं हुई है, पानी नीचे आ गया। हाँ, लेकिन हम एक लेक की तरफ आए हैं जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। आई एम गोइंग टू शो यू दैट। अरे उनको बोलने दो ना, नाइस, कितना ब्यूटीफुल है और मौसम भी बहुत अच्छा है, वेरी वेरी, तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, पहाड़ और यहाँ पर पानी। कैसा लग रहा है क्या? ये जगह कैसी? अच्छा, अच्छी है, अच्छी है ना, मुझे लग रहा है ना लोनावला से तो अच्छी है। कहाँ से? लोनावला, लोनावला से अच्छी है। हे कैप्स, हेलो, अभी लंच खाना है? मैकडॉनल्ड्स प्लीज। मैं मैकडॉनल्ड्स अब बिल्कुल नहीं खाने वाली। क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? सुबह खाया था क्योंकि ऑप्शन नहीं था उस टाइम पर, तो अभी सोचो ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैकडॉनल्ड्स नहीं, अब हम कुछ देखेंगे महाराष्ट्र थाली। कैसे? ब्यूटीफुल ब्रीदर मिला है हमको बॉम्बे से, और ज़्यादा दूर भी नहीं है कुछ, आई थिंक ढाई घंटे में, ढाई पौने तीन घंटे में हम पहुँच गए। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल जगह है ना, कि ऐसा है कि आप यहाँ पर रिजॉर्ट्स भी हैं आसपास, अगर आप सैटरडे को आए तो मॉर्निंग में रुक के और पूरा सैटरडे यहाँ पर रह के संडे को आप अपना वापस जा सकते हैं, या फिर आप एक डे ट्रिप भी ले सकते हैं। यहाँ लोग कैंपिंग करने के लिए भी आते हैं, वैसे बहुत हवा चल रही है, आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग कैंपिंग करने भी आते हैं। और अभी यहाँ पर कोई कैंपिंग नहीं चल रही क्योंकि शायद बारिश होने वाली है, इसलिए नहीं, एक्चुअली बारिश में कैंपिंग होती है, बट लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं। आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस टू सेट अप अ कैंप और अपनी बॉनफायर करके, थोड़ा ठंड के टाइम पर, ठंड तो वैसे बॉम्बे में होती नहीं है, बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र में इतनी, लेकिन फिर भी जनवरी फरवरी के टाइम पर थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है, तो उस टाइम पे बॉनफायर करना, कैंपिंग करना, इट विल बी ग्रेट फन। ओके गाइस, टाइम टू लीव, यहाँ से निकल रहे हैं
और अब हम जाएंगे लंच करने, कहीं लंच करने के लिए जाएंगे। मैं कहाँ से जा रही हूँ यार, ये रास्ता। लंच करने के लिए जाएंगे, कोई पिट स्टॉप लेंगे एंड देन वी विल सी, उसके बाद निकलेंगे वापस बॉम्बे सो दैट वी कैन अवॉइड द ट्रैफिक। और ट्रैफिक लगने से पहले हम अपने घर पहुंच जाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना। वैसे तो आज संडे है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा रोड पे, बट स्टिल फाइनली हमें कोई रेस्टोरेंट मिला है लंच करने के लिए। दिन के 3:30 बज चुके हैं दोस्तों, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, चूहे चूहे तुम्हारे तो मगर ठीक है, लेकिन इससे कांदा ठीक नहीं है, कांदा बोलना पड़ेगा ना, खाली कांदा दे। तो दोस्तों ये है हमारा खाना, मटन और तंदूरी रोटी, कोफ्ते। मिलते हैं आपको। गाइस लंच हो चुका है हमारा और अब हम निकल चुके हैं वापस बॉम्बे जाने के लिए। गर्लफ्रेंड का फोटो ले रहे हो क्या गाड़ी वाले की? ये हो सकता है। पूछे जाके अरे ऐसे मत लो उससे, पूछे जाके ऐसे लगाया पीछे। एंटरिंग मुंबई, कहाँ पहुँचे हम? थाने 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 जगह है, मतलब बोल दे ऐसा लोगों को। थाने में नहीं, थाने में गए हैं। थाने जगह है, जगह जगह। और अभी हमारा रहता है 1:05 घर पहुँचने के लिए। वापस आते वक्त बहुत थकान होती है ना, रास्ते में मन नहीं लगता है ना। मेरे तो मन लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा क्या ये? ओहो बड़ी अच्छी लाइट पड़ रही है तुम्हारे फेस पे, ब्यूटीफुल लाइटिंग।
मन दोबारा मन नहीं लग रहा लग रहा है हीरो लग रहा है बिल्कुल अरे वो तो पहले से बचपन से जन्मजात जन क्या जन्मजात ओ जन्मजात से हीरो यस नाइस या कहां हम अभी पहाड़ों पे गए हुए थे जहां पर आसपास सिर्फ पहाड़ दिख रहे थे और बादल दिख रहे थे और अब यहां जैसे जैसे बॉम्बे जाते जाएंगे वहां आसमान कम और बिल्डिंग ज्यादा दिखती जाएंगी कॉन्क्रीट जंगल बट ऑनेस्टली आई लव मुंबई फाइनली गाइज वी आर बैक होम फाइनली वी आर बैक होम अभी हम अपनी लिफ्ट में हैं और अब अपने घर जाने वाले हैं मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी इफ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज नहीं वहां जाके मेरे को सिर्फ बेड पे लेटना है सो इफ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स से बाय बाय एंड सब्सक्राइब सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग बाय